स्टूडेंट्स, आज हम लोग फार्माकोग्नोसिस शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, फार्माकोथेरापेटिक्स, फार्माकोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं। सो नाउ फार्माकोग्नोसी, तो ये पेपर थ्री में हमें दिया गया है, ठीक है। एग्जिट एग्जाम का जो पेपर थ्री है, तो पेपर थ्री में यू हैव फार्माकोग्नोसी, ठीक है। सो नाउ टेल मी, व्हाट इज फार्माकोग्नोसी? स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। इट इज द साइंस ऑफ क्रूड ड्रग्स और स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। नाउ व्हाट इज अ क्रूड ड्रग? क्रूड ड्रग का मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन, क्या होता है क्रूड ड्रग? विच इज नेचुरली फाउंड इन द नेचर एंड इज नॉट। एक्सैक्टली, यस यस, अनप्रोसेस्ड ड्रग फ्रॉम द नेचुरल ओरिजिन, ओके, दैट इज द क्रूड ड्रग, ठीक है। तो क्रूड ड्रग का स्टडी, दैट इज फार्माकोग्नोसी, ओके। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सो फार्माकोग्नोसी इंक्लूड्स प्रिसाइज एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ, ओके। तो यहाँ पे प्रिसाइज एंड सिस्टमैटिक स्टडी बोला गया है। सिस्टमैटिक स्टडी मतलब प्रॉपर स्टडी, स्टडी विद अ प्लान। हम सिस्टमैटिक किसको बोलते हैं? सिस्टमैटिक वर्क। सिस्टमैटिक वर्क मतलब जिसमें प्रॉपर प्लानिंग होता है, प्रॉपर प्लान करके जो काम किया जाता है, दैट इज द सिस्टमैटिक वर्क। तो उसी तरह से यहाँ पे फार्माकोग्नोसी ये सिस्टमैटिक स्टडी है, मतलब प्रॉपर प्लानिंग किया करके किया गया स्टडी ऑफ किसका। तो फर्स्ट, स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स, हिस्ट्री, मेथड्स ऑफ कलेक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ठीक है। देन प्रिजर्वेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स फॉर द मार्केट। सो ये जो थ्री पॉइंट्स है, दिस थ्री पॉइंट्स इंक्लूड्स इन फार्माकोग्नोसी। इट इनकम्पासेस ऑल सेक्शंस ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च। नाउ लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फर्स्ट, सिडलर। व्हाट डू यू नो अबाउट सिडलर? क्या पता है आपको सिडलर के बारे में? यस, बताइए, व्हाट डू यू नो अबाउट सिडलर? एनालेक्ट ऑफ फार्माकोग्नोस्टिका टर्म। राइट, सही है। तो देखिए, जो फार्माकोग्नोसी वर्ड है, ये सबसे पहले किसने दिया, ओके। अब ये एमसीक्यू के लिए आईएमपी है, आईएमपी कि सबसे पहले फार्माकोग्नोसी वर्ड किसने यूज किया, किसने ये वर्ड डिराइव किया। तो फार्माकोग्नोसी वर्ड सबसे पहले सेडलर, ये जो जर्मन साइंटिस्ट है, इसने डिराइव किया, इसने ये वर्ड दिया है फार्माकोग्नोसी। सेडलर ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। और उस बुक में सिडलर ने फर्स्ट टाइम फार्माकोग्नोसी वर्ड का इस्तेमाल किया। यह बुक 1815 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1815, 1815 में। एंड इसमें जो फार्माकोग्नोसी वर्ड आया है, तो फार्माकोग्नोसी वर्ड ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक है फार्माकॉन मतलब ड्रग, एंड सेकेंड है जिग्नोस्को, जिग्नोस्को का मतलब टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ, ठीक है। तो सिडलर के बारे में आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट पॉइंट, सिडलर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गिवन द वर्ड फार्माकोग्नोसी, जिसने फार्माकोग्नोसी वर्ड दिया। सेकंड पॉइंट, सिडलर रोट द बुक एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका इन विच ही यूज द वर्ड फार्माकोग्नोसी, ठीक है। एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका ये बुक इसने लिखा। तीसरा, ये बुक इसने कब लिखा? तो 1815 में लिखा। एंड फार्माकोग्नोसी ये वर्ड कौन से दो वर्ड से बना हुआ है? तो फार्माकोग्नोसी वर्ड फार्माकॉन एंड जिग्नोस्को से बना हुआ है। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, एंड जिग्नोस्को का मतलब होता है नॉलेज, टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ, ठीक है। तो सिडलर के बारे में सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है, इसमें से कोई एक एमसीक्यू जरूर आएगा। देन सुश्रुत, व्हाट डू यू नो अबाउट सुश्रुता? क्या पता है? फादर ऑफ सर्जरी, ही इज नोन एज, यस, नोन एज फादर, यस, सुश्रुता इज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। सुश्रुता वॉज एन इंडियन फिजिशियन एंड सर्जन। ये तो जो दुनिया में सर्जरी की जाती है, पूरी दुनिया में जो आज हम सर्जरी देखते हैं, ऑपरेशंस देखते हैं, तो वो ऑपरेशंस की शुरुआत किसने की, वो ऑपरेशंस की टेक्निक्स किसने डेवलप की, हम बोल सकते हैं टेक्निक्स डेवलप करना, तो टेक्निक्स सबसे पहले किसने डेवलप की? तो इट वॉज सुश्रुता,
एंड सुश्रुता वॉज द फादर ऑफ सर्जरी एज वेल एज ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। तो उस समय में मतलब 800 BC के समय में, 800 BC 700 BC के समय में सुश्रुता प्लास्टिक सर्जरी किया करता था। ठीक है, अब सोचिए उस समय तो कोई एनेस्थेटिक्स वगैरह नहीं थे, देयर वेर नो जनरल एनेस्थेटिक्स एंड देयर वेर नो स्टरलाइजेशन टेक्नोलॉजी। स्टरलाइजेशन टेक्निक जो हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं, असेप्टिक टेक्निक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उस जमाने में तो असेप्टिक टेक्निक्स आज की तरह नहीं थी। ठीक है, उस जमाने में आज की तरह ऑपरेशन थिएटर्स नहीं थे, उस जमाने में आज की तरह जनरल एनेस्थेटिक्स नहीं थे। तो सुश्रुता किस तरह से सर्जरी किया करता था, इवन जो कैटरेक्ट की सर्जरी है मोती बिंदु, तो सुश्रुता मोती बिंदु की भी सर्जरी किया करता था, आंखों की सर्जरी किया करता था। ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, तो वो कैटरेक्ट की सर्जरी उस जमाने में किया करता था, 800 BC में, 700 to 800 BC में। एंड उस जमाने में ये प्लास्टिक सर्जरी किसकी करते थे, उस समय तो कोई ब्यूटी कॉम्पिटिशन थे नहीं, उस समय तो कोई एक्टर्स एक्ट्रेसेस थे नहीं, तो प्लास्टिक सर्जरी करता किसकी था। तो उस जमाने में वार में, युद्ध के समय जो सैनिक घायल हो जाते थे और जिन सैनिकों का किसी का हाथ टूट गया, किसी का नाक टूट गया, किसी का कान टूट गया, ओके, युद्ध में होता था, तलवार से युद्ध करते थे, तो उस युद्ध में किसी का कान कट जाता था, किसी का नाक कट जाता था, तो ये उस समय नाक के कान की प्लास्टिक सर्जरी किया करता था। तो ये एक ऐसा सर्जन है, मतलब था उस जमाने में, जो कि आंखों की भी सर्जरी करता था, कान की भी करता था, कोई भी सर्जरी करता था। आज के जैसा नहीं कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं, आज देर आर स्पेशलिस्ट। ठीक है, ये सभी सर्जरी में माहिर था। सो ही वॉज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी, ही इज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी, ऑल्सो इज नोन एज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। एंड सुश्रुता ने एक बुक लिखा हुआ है सर्जरी के लिए, या आयुर्वेदा की ट्रिटी जिसे बोला जाता है, आयुर्वेदा की जो महान ग्रंथ है उसमें से एक ग्रंथ है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता। ओके, तो सुश्रुता के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, तो सुश्रुता के बारे में आपको याद रखना है कि ही इज द फादर ऑफ सर्जरी, देन ही वॉज एन इंडियन फिजिशियन एंड सर्जन, वो एक आयुर्वेदिक वैद्य था, एंड ही इज द ऑथर ऑफ सुश्रुत संहिता, जो कि एक आयुर्वेदा की काफ़ी पॉपुलर, वेल नोन एंड स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको सुश्रुता के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट चरका, चरक के बारे में क्या पता है आपको? फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन देखिए एंड इसको ऑल्सो द फादर, बुक चरक संहिता। चरक संहिता इस बुक का ऑथर है। चरक संहिता ये भी आयुर्वेद की एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड बुक ऑफ आयुर्वेदा, चरक संहिता। आयुर्वेदा के डेवलपमेंट में, आयुर्वेदा की ग्रोथ में चरक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम चरक को फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं बोल सकते, ठीक है, ही इज नॉट द फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो डिटेल हमें मिलता है, जो शुरुआत हमें मिलती है, वो वेद में से मिलती है। वेद, आपको पता है देर आर चार वेदास, फोर वेदास आर देयर। ठीक है, तो जो अथर्व वेद है और बाकी वेद्स है, तो वेदास में भी हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, यह वेदों वैदिक पीरियड जो है, वैदिक पीरियड मतलब ये समझिए कि आज से करीबन 10,000 साल पुराना पीरियड होगा, मोर देन 10,000 ईयर बैक। उस पीरियड में भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के जो प्रॉपर्टीज है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो गुणधर्म है, वो वेदों में दिया गया है। और वेदों में जो गुणधर्म आयुर्वेदिक मेडिसिन का दिया गया है, जो क्वालिटीज दी गई है, जो उनका क्यूरेटिव थेरापेटिक प्रॉपर्टी दी गई है, उसी के बेस पे आगे आयुर्वेदा डेवलप होते गया। एंड उसी के बेस पे चरक ने आयुर्वेदिक मेडिसिन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके चरक संहिता ये बुक लिखा। तो चरक जो है वो उस जमाने में आयुर्वेदा को डेवलप करने में और आयुर्वेदा को पॉपुलर करने में इसने काफी बड़ा रोल प्ले किया है। तो चरक जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन का एक बहुत ही बड़ा, ग्रेटेस्ट स्कॉलर हम बोल सकते हैं, और जिसने आयुर्वेदा को बहुत ज्यादा डेवलप किया है, आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं।
चरक वॉज एन इंडियन आयुर्वेदिक वैद्य था, एंड इसका समय कौन सा था, ये कौन से समय में यह इसका जन्म हुआ या इसका कौन से समय में ये था, यह कुछ क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में, इसके बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। जैसे सुश्रुता के बारे में हम कहते हैं कि सुश्रुता का पीरियड 800 BC टू 700 BC रहा होगा, ठीक है, बट वैसे चरका का कौन सा पीरियड है इसकी जानकारी कहीं पे मिलती नहीं है। ओके, तो उसके बारे में ये नहीं बताया जा सकता कि कौन से पीरियड में। हाँ, बट इतना कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि चरका वॉज ओल्डर देन सुश्रुता, ये सुश्रुता के पहले था, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। ओके, बट उसका एक्चुअल पीरियड क्या था ये पता नहीं है, ठीक है। वो महाभारत के समय में था या वो चंद्रगुप्त के समय में था या डोंट नो, इसके बारे में अंदाजा नहीं है, मतलब पता नहीं चल पा रहा है एग्जैक्टली उसका हिस्ट्री, ठीक है। ओके, नाउ चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता के बारे में जानकारी। सो इन आयुर्वेदा चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता आर वेल टू वेल नोन ट्रीटीज। ट्रीटीज का मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स है। देन इन चरक संहिता डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्लांट्स यूज्ड एज मेडिसिन आर इंक्लूडेड, एंड इन सुश्रुत संहिता एम्फासिस इज गिवन ऑन सर्जरी, ठीक है। तो चरक संहिता में प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन में, मतलब फार्माकोग्नोसी का डिस्क्रिप्शन चरक संहिता में है, एंड जो सर्जरी है सर्जरी का डिस्क्रिप्शन सुश्रुत संहिता में है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द चरका एंड सुश्रुता। देन हिप्पोक्रेट्स, ठीक है, तो हिप्पोक्रेट्स का जो पीरियड था दैट वाज 400 टू 370 BC, एंड हिप्पोक्रेट्स वाज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड फिजिशियन। ओके, ग्रीक था, ग्रीक फिलोसोफर एंड फिजिशियन। ही प्रिपेयर्ड फेमस ओथ फॉर फिजिशियंस विच इज स्टिल टेकन बाय द फिजिशियंस, मतलब आज भी मेडिकल हॉस्पिटल्स में MBBS में स्टूडेंट्स को जो ओथ दिलाई जाती है, जो शपथ दिलाई जाती है, वो शपथ हिप्पोक्रेट्स ने बनाई थी। देन एरिस्टोटल, एरिस्टोटल 384 टू 322 BC का पीरियड रहा था। ही इज नोन एज फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ही क्लासिफाइड एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स का फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमें मिलता है, रिटर्न क्लासिफिकेशन, वो एरिस्टोटल ने दिया हुआ है। ओके, देन थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस 370 टू 285 BC, सो ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। ही एक्सटेंडेड द वर्क ऑफ एरिस्टोटल एंड इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनिकल साइंसेस, ठीक है, फादर ऑफ बॉटनिकल साइंसेस। देन नेक्स्ट डायस्कोराइट्स और डायसोराइट्स, सो 40 टू 80 AD, ही वॉज अ ग्रीक फिजिशियन। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट 600 मेडिसिनल प्लांट्स लाइक ओपियम, बेलाडोना, कॉल्चिकम एंड अर्गॉट इन डी मटेरिया मेडिका। ओके, सो डायस्कोराइट्स जो है इसने डी मटेरिया मेडिका बुक लिखा, कब लिखा, 40 टू 80 AD में लिखा, एंड इसमें उसने 600 मेडिसिनल प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन दिया है। ओके, देन क्लॉडियस गैलन, गैलन तो गैलन के नाम पे गैलेनिकल्स है, जो कि वेरियस एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स है। तो यहां पे हम लोग एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स पढ़ते हैं गैलेंस के नाम से, गैलेनिकल्स, बट यदि आप आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस देखोगे तो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में भी कई सारे अलग अलग एक्सट्रैक्शंस के फॉर्मुलेशंस या एक्सट्रैक्शन की प्रोसीजर दी गई है, बट एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर को हम मेनली गैलेनिकल्स बोलते हैं, मतलब हमारे मॉडर्न मेडिसिन में, मॉडर्न साइंस में। आयुर्वेदा में तो उसे आयुर्वेदिक मेथड जो भी है, आयुर्वेदिक नाम उसको दिए गए हैं, बट उसे हम रिकॉग्नाइज नहीं करते मॉडर्न मेडिसिन में। मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग गैलेनिकल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, बट आयुर्वेदा में भी बहुत कुछ ऐसे एक्सट्रैक्शन के मेथोडोलॉजीज, टेक्निक्स दी गई है। ओके, सो क्लॉडियस गैलन, तो गैलन कौन था, तो गैलन ये एक ग्रीक फिजिशियन था, ही वॉज अ ग्रीक फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट। तो ये इसको फादर ऑफ, ओके, ही वॉज अ ग्रीक फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट हु डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो गैलन था, क्लॉडियस गैलन, ये फिजिशियन भी था एंड फार्मासिस्ट भी था, मतलब ये डॉक्टर भी था एंड फार्मासिस्ट भी था, मतलब खुद की मेडिसिन खुद बना करके पेशेंट को देता था। बट ये प्रैक्टिस इंडिया में तो हजारों सालों से चल रही थी,
जो आयुर्वेदिक वैद्य है, आयुर्वेदा में वैद्य, तो वैद्य क्या करते थे? तो वैद्य खुद ही डॉक्टर का भी काम करते थे और खुद ही मेडिसिन बनाने का और मेडिसिन डिस्पेंस करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम खुद ही क्या करते थे। तो आयुर्वेदा में डॉक्टर, फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट, ये कंसेप्ट हजारों सालों से है। जो आयुर्वेदिक वैद्य थे उस जमाने में, वो वैद्य खुद ही फिजिशियन भी थे एंड फार्मासिस्ट भी थे, ठीक है। बट यहां पे गैलन के बारे में प्राउडली ये कहा जाता है कि ये फिजिशियन भी था और ये फार्मासिस्ट भी था। मतलब अंग्रेजों के लिए ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके लिए ये बिल्कुल नया कंसेप्ट था कि एक फिजिशियन भी है और वही फार्मासिस्ट भी है। दैट वाज अ न्यू कंसेप्ट बिफोर फॉर द गैलन, मतलब गैलन के समय में, ठीक है। बट हमारे लिए इंडिया में यह कंसेप्ट तो गैलन से पहले हजारों साल पहले से चल रही थी, 5,000-10,000 साल पहले से कंसेप्ट हमारे पास में चल रही थी, ओके, ठीक है। तो क्लॉडियस गैलन, सो ही वॉज अ ग्रीक फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट हु डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। ही इज नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी एंड ऑल्सो नोन एज फर्स्ट फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे गैलन को फर्स्ट फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। सो ही इज नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी एंड ऑल्सो नोन एज फर्स्ट फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो ही इज नोन एज द फर्स्ट फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो गैलन इज नोन एज द फर्स्ट फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। देन द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड एज गैलेनिकल फार्मेसी, ठीक है। तो यहाँ पे गैलेनिकल फार्मेसी में कई सारी प्रोसेस है जिसको हम मैसरेशन प्रोसेस बोलते हैं, या इसमें हम सॉक्सेलेशन बोलते हैं, सॉक्सेलेशन है, मैसरेशन है, परकोलेशन है, ठीक है, डिकक्शन है, इन्फ्यूजन है। तो इन्फ्यूजन, डिकक्शन, सॉक्सेलेशन, परकोलेशन, मैसरेशन, ये सभी जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है, तो इन प्रोसेसेस को गैलेनिकल फार्मेसी या गैलेनिकल्स बोला जाता है, क्योंकि गैलन ने इसको डिस्कवर किया था, यह प्रोसेस का पता लगाया था। बट आयुर्वेदा में जो डिकक्शन की प्रोसेस है, इन्फ्यूजन की प्रोसेस है, ये उससे भी पहले कई सालों से यूज की जा रही है, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट है स्वेड लिनियस। इसका जो पीरियड था दैट वाज 1707 टू 1778, ठीक है। सो ही हैज कंट्रीब्यूशन टू बायनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू बायनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। सो व्हाट इज दिस बायनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या है ये बायनोमियल सिस्टम, व्हाट इज इट? बायनोमियल सिस्टम मतलब जेनस और स्पेसीज का, मतलब टू वर्ड्स में एक स्पेसीज का नॉमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर करना, यस, नोमेनक्लेचर करना, ठीक है। और जैसे कि हम बोलते हैं इलेक्टारिया कार्डेमोम, दो वर्ड आ गए, तो इलेक्टारिया कार्डेमोम किसका नाम है? इलेक्टारिया कार्डेमोम कौन सा ड्रग है या कौन सा स्पाइस है? इलायची। यस, इलायची, इलायची, करेक्ट, इलायची, करेक्ट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, इलेक्टारिया कार्डेमोम, ठीक है। देन एजाडिरक्टा इंडिका किसका है? एजाडिरक्टा इंडिका, ये नीम है, नीम, नीम, ठीक है, यस, नीम, यस, नीम। देन कुरकुमा लौंगा टर्मरिक, यस, इट इज टर्मरिक, कुरकुमा लौंगा इज टर्मरिक। तो ये बायनॉमिल है, ठीक है, ये बायनॉमिल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ह्यूमन सेपियन, होमोसेपियन, ह्यूमन नहीं, होमोसेपियन, तो एनिमल में होमोसेपियन कौन है? ह्यूमन बींग्स, यस, ह्यूमन बींग्स, होमोसेपियन, ओके, ठीक है। सो दैट इज बायनॉमिल। तो ये बायनॉमिल जिसने बनाया वो कौन है? स्वेड लिनियस है, ने एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया है, और ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की वजह से वर्ल्ड वाइड किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करना आसान हो गया। जिस प्लांट को हम लोग हिंदी में या मराठी में नीम बोलते हैं या हल्दी बोलते हैं, उसे चाइनीज, रशियन, अमेरिकन, जापानीज, थ्रू आउट द वर्ल्ड कितने लैंग्वेज बोली जाती है? पूरी दुनिया में हजारों लैंग्वेज बोली जाती है,
दुनिया की बात छोड़िए, हमारे इंडिया में ही हजारों लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, पूरे इंडिया में हजारों लैंग्वेजेस बोली जाती है, और हर लैंग्वेज में नीम के लिए या हल्दी के लिए अलग अलग वर्ड हो सकते हैं। तो अगर कोई लिटरेचर कोई हिंदी में लिख रहा है, कोई मराठी में लिख रहा है, कोई गुजराती में लिख रहा है, कोई तमिल में लिख रहा है, तो नीम को कैसे सब लोग आइडेंटिफाई करेंगे ना कि नीम ही है। संस्कृत में अलग तरीके से बोला जाता है, प्राकृत लैंग्वेज में लिटरेचर होगा वो अलग होगा, तो हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन होगा, तो दुनिया को समझ में कैसे आएगा। तो ये लिनियस ने जो एक क्लासिफिकेशन दिया है, और जो नॉमिन बायनॉमियल सिस्टम दिया है क्लासिफिकेशन करके, ठीक है, तो उसके बेस पे पूरे दुनिया में उस एक पर्टिकुलर मेडिसिन को, पर्टिकुलर ड्रग को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो गया। आप अपने सिनोनिम आप कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, सिनोनिम, सिनोनिम क्या होता है, व्हाट इज सिनोनिम, सिनोनिम समानार्थी यहां पे शब्द, समानार्थी शब्द, यहां पे फार्माकोग्नोसी में, फार्माकोग्नोसी में सिनोनिम का मतलब क्या है, मतलब दूसरा कोई नाम अल्टरनेट जो अलग नेम। अलग लैंग्वेजेस देखिए सिनोनिम का मतलब होता है लोकल नेम ऑफ अ ड्रग, ठीक है, लोकली लोकल नेम, ठीक है। जैसे कि आप टर्मरिक की बात कीजिए, तो टर्मरिक को इंग्लिश लोकली, लोकली इंग्लिश में टर्मरिक बोला जाएगा, हिंदी में लोकली हल्दी बोला जाएगा, मराठी में लोकली हड़द बोला जाएगा, हड़द, ठीक है। तो जो लोकल नेम्स होते हैं ड्रग के, उन्हें कहा जाता है सिनोनिम्स। देन डेरोसिन, डेरोसने, ओके, तो ही आइसोलेटेड नॉर्कोटिन फ्रॉम ओपियम इन 183, ठीक है। देन बर्ग, द एनाटॉमिकल एटलास ऑफ क्रूड ड्रग्स वॉज पब्लिश बाय बर्ग इन 1865। देन ग्रेनिश एंड कोलिन, सो एन एनाटॉमिकल एटलास ऑफ पाउडर्ड वेजिटेबल ड्रग्स वॉज कंपाइल्ड बाय देम इन 1904। देन द स्टास ओट्टो मेथड, स्टास ओट्टो इज अ हिस्टोरिकल टेक्निक यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन एंड सेपरेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स एंड अल्कोलाइड्स फ्रॉम प्लांट मटेरियल्स। तो स्टास ओट्टो मेथड क्या है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, स्टास ओट्टो मेथड। सो द स्टास ओट्टो मेथड इज अ हिस्टोरिकल टेक्निक यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन एंड सेपरेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स एंड अल्कोलाइड्स फ्रॉम प्लांट मटेरियल्स, ठीक है। सो ये अल्कोलाइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ये हम लोग आगे स्टडी करेंगे। देन यहाँ पे आईएमपी है, आईएमपी फादर ऑफ, तो फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनिकल साइंसेस थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी क्लॉडियस गैलन, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता, ठीक है। तो इसमें से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके। नाउ आगे हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पे।